उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में बीजेपी नेता के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज होते ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस में दर्ज शिकायत में डॉक्टर बीपीएस लोचब ने बीजेपी नेता गजेंद्र चौधरी पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया। बीजेपी नेता के खिलाफ शिकायत मिलते ही पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुट गई। डॉक्टर ने कहा कि गजेंद्र चौधरी ने डरा धमका कर और जान से मारने की धमकी देकर 2,65,000 वसूले। डॉक्टर की शिकायत पर एसपी हेमराज मीणा ने कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने मझोला थाने में गजेंद्र चौधरी के खिलाफ रंगदारी मांगने समेत कई धाराओं पर केस दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर ने आरोप लगाया कि वह अपने क्लिनिक में बैठे थे, तभी वहां पर खुद को बीजेपी युवा मोर्चा का अध्यक्ष बताते हुए गजेंद्र चौधरी कमरे के अंदर घुस आए, 65,000 की रंगदारी मांगने लगे। जब उन्होंने रंगदारी देने का विरोध किया तो बीजेपी नेता गजेंद्र ने उनके साथ मारपीट की, साथ ही उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चले गए। बीजेपी नेता के डर से डॉक्टर ने 65,000 की रकम उसे दे दी। कुछ दिन बाद बीजेपी नेता फिर उनकी क्लिनिक में आए, डॉक्टर से एक बार फिर रंगदारी मांगने लगा। बीजेपी नेता की इस दबंगई से डॉक्टर परेशान हो गया। इसके बाद बीजेपी नेता गजेंद्र चौधरी ने डॉक्टर को फोन करके 2,00,000 की मांग की, पैसे न देने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। परिवार की सलामती को देखते हुए डॉक्टर ने 2,00,000 की रंगदारी बीजेपी नेता के गुर्गों तक पहुंचा दी। इसके बाद से लगातार बीजेपी नेता द्वारा रंगदारी मांगी जाती रही। बीजेपी नेता की धमकी से परेशान होकर डॉक्टर लोचब ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। डॉक्टर बीपीएस लोचब की शिकायत पर मझोला पुलिस ने बीजेपी नेता गजेंद्र चौधरी और एक अज्ञात व्यक्ति के ऊपर आईपीसी की धारा 332, 504, 454, 506, 386 के तहत केस दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने कई जगहों पर दबिश देते हुए बीजेपी नेता को गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने कहा, बीजेपी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। रंगदारी के मामले में बीजेपी नेता से पूछताछ की जाएगी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।